हरियाणा के लोहारू में दो युवकों को जिंदा जलाने का प्रकरण मंत्री जाहिदा खान की मौजूदगी में शवों का सुपुर्दे खाक किया गया है। नगर विधायक वाजिब अली भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधान जलीस खान सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इसको लेकर पहले हंगामा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पहले उन आरोपियों को पकड़ा जाए, साथ ही साथ जो आर्थिक सहायता है वो सरकार की तरफ से दी जाए। हालांकि उस बात को जाहिदा खान जब इनके बीच में पहुंची, परिवार के बीच पहुंची, तो उन्होंने इस बात को बताया 20-20 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके बाद बात बनी और जब जाहिदा खान लौटी तब हालांकि दोबारा से थोड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी क्योंकि परिवार के कई लोग इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब ये आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा के लोहारू में दो युवकों को जिंदा जलाने के प्रकरण में अब मंत्री जाहिदा खान की मौजूदगी में शवों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। नगर विधायक वाजिब अली भी इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व प्रधान जलीस खान सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लगातार कल से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया जब दो लोगों को जिंदा जला दिया गया। पुलिस की तरफ से इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार पुलिस एक्शन में भी है। वहीं परिवार में आक्रोश, समाज में आक्रोश बना हुआ था। और सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह की फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि अब तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, तो ये मान लिया जाए कि सहमति बन गई है? देखिए, सुबह से जो गहमा गहमी चल रही थी वो अब पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है और जो दोनों सप्ते उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। नगर से विधायक हैं वाजिब अली, वो अभी पहुंचे थे, उस सुपुर्दे खाक में भी शामिल हुए थे, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ी घटना हुई है मेरी बात को लेकर। देखिए, इस क्षेत्र के लिए इस तरह की पहली इतनी बड़ी घटना है जिसमें इतनी बाबरता पूर्वक जो है लोगों का अपहरण करके उनको मार दिया गया और पूरे इलाके में गम है इस बात का। पूरी मेवात में यूँ कहूँ तो मैं कि बहुत बड़ा मातम है आज कि जिस तरीके से दो जवान भाइयों के साथ ये हरकत हुई। अभी सुपुर्द खाक लोगों ने उन दोनों बच्चों को कर दिया है, लेकिन इनकी भावनाएं सुपुर्द खाक अभी नहीं हुई हैं, इनका गुस्सा सुपुर्द खाक नहीं हुआ है। अभी मैं दोपहर में आ रहा था तो जो नामजद आरोपी हैं वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, पत्रकारों को मिल गए, क्या पुलिस को नहीं मिल रहे? जितनी पुलिस इस गांव में लगा रखी है, अगर ये पुलिस को भेज दो अभी तो इस सुबह तक ला सकते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि प्रशासन और मुश्तैदी से काम ले। ये तो हम सब की सरकार की मान रखने के लिए लोगों ने सुपुर्द खाक तो कर दिया, लेकिन इनका गुस्सा सुपुर्द खाक अभी नहीं हुआ है। वो तब होगा जब वो सारे के सारे लोग, नामजद लोग, सलाखों के पीछे हों और उसके अलावा यहाँ लोकलिटी में जो उन्हें मदद करते हैं, भिवानी हरियाणा का आदमी अचानक यहाँ गोपालगढ़ में बाड़ी में नहीं आता, यहाँ के लोग भी उस षड्यंत्र में, साजिश में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, तब जाके कहीं मैं मानूंगा कि जो पीड़ित परिवार है उसको, उसके दिल को कुछ शांति मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए कि अपहरण की जो घटना हुई उसके बाद वहाँ हरियाणा लेके गए, कहीं ना कहीं कमी तो रही, किसकी कमी रही? भाई, निश्चित तौर पर मैं तो कहूँगी प्रशासन की कमी है। कैसे बाहर की गैंग गुंडे हथियारों के साथ लेके कैसे हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं? आम जनता तो घूम नहीं सकती, तो गुंडे कैसे यहाँ घूम रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो संगठित ऐसे संगठन बने हुए हैं, चाहे वो बजरंग दल के फेस में, चाहे ORS के फेस में, और बड़े सारे दल इन्होंने बना रखे हैं, ये लोग एक नंबर के बदमाश हैं। लोगों को यहाँ से किडनैप करते हैं, उठाते हैं, नकली पुलिस बन के उनके परिवार वालों से पैसे वसूल करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ की पुलिस की ढिलाई है और मैं पूरे जिले की पुलिस से मांग करता हूँ, हिसाब से भी बात करूँगा कि इन चीज़ों को सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि जब प्रशासन से विश्वास जनता का उठ जाएगा तो जनता अपने हाथ में न्याय ले लेगी, वो बहुत बुरा होगा आने वाले वक्त के लिए। अब उसके बाद सुपुर्द खाक प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी, लेकिन देखिए परिवार में दो लोग गए हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो खलेगी। निश्चित तौर पे उस बाप के बेटे की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, उस माँ के बेटे की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, उस भाई की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। प्रतिनिधिमंडल भी मिल लेगा, चलो अच्छी बात है, सरकार से जो मदद हो रही है हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन दिल में ठंडक तब पहुंचे इनके पूरे क्षेत्रवासियों को जब वो लोग जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सुबह इस बात को लेकर मामला गरमाता रहा कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो तभी सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन अंतिम दौर में ये वार्ता हुई कि साहब पहले सुपुर्द खाक ही कर लिया जाता। देखिए, वो तो मैं जैसा मैंने कहा कि गांव वालों में बहुत रोष आज अभी भी है, शायद ये और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ते
लेकिन इन्होंने इज्जत करी हमारे लोकल प्रतिनिधि की, हम सब जैसे लोगों की, समाज के जिम्मेदार लोगों की, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम कानून पे विश्वास रखेंगे, पुलिस को मौका देंगे कि वो उन्हें पकड़ेगी और मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से जो जो सुपुर्द खाक करने की एक परंपरा ये होती है कि हमें जल्द से जल्द करना चाहिए, उसमें डिले ना करें। तो इन्होंने हमारी जिम्मेदारी की, कौम की और धर्म की भावनाओं को समझते हुए सुपुर्द खाक तो कर दिया, लेकिन अब बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि जिन उम्मीद के साथ इन्होंने सुपुर्द खाक किया है उसी उम्मीद के साथ वो लोग गिरफ्तार हों, सलाखों के पीछे हों, उन्हें कड़ी सजा मिले, कानून अपना काम करे। ओवैसी का भी बयान आया था कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है, तो सरकार की कमी रही है, पुलिस की कमी रही है कोई? देखिए सरकार की मैं कमी नहीं मानता, सरकार तो चाहती है कि पुलिसिंग में अच्छा काम सब अच्छा करें, पर कहीं ना कहीं देखो कमी तो है, हमें स्वीकारना पड़ेगा। किस तरीके से बाहर के गुंडे आकर, और ये पहली घटना नहीं है, अब से पहले आसपास भी क्षेत्रों में कई बार ऐसी घटना हुई है, गांव में लोग आते हैं, तत्कथित पुलिस बनकर आते हैं, चाहे वो गुंडे बनकर आते हैं, और नौजवान लड़कों को उठा के ले जाते हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है। तो और ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को इनकी जानकारी ना हो, ना अगर पुलिस को जानकारी नहीं है तो फिर यहाँ से निकम्मी पुलिस कहीं की हो नहीं सकती। ये आपने बड़ा बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जो मेवात का इलाका माना जाता है कि हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की, यानी कई राज्यों की पुलिस आती है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का एक फर्जी सीआई पकड़ा गया था, पुलिस ने हालांकि उनके साथ मारपीट भी की, यानी कि लोगों को उठा के ले जाते हैं और वहाँ उनके साथ पैसा वसूलते हैं। मैं उसी प्रकरण की तरफ मैं आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये भी वही गैंग है, लोगों को पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं, परिवार वालों को डराते हैं कि तुम्हें मुकदमे फंसा देंगे, कभी यहाँ की पुलिस कभी वहाँ की पुलिस, तो निश्चित तौर पे एक बहुत तरह की गैंग सक्रिय हो रखी है। और जैसा मैंने कहा, अगर हमारी पुलिस को जानकारी नहीं है तो ये उनका निकम्मापन है, और जानकारी है तो उसको क्यों नहीं रोक पा रहे, इसके विषय में हम सबको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, साफ तौर पर जो नगर से विधायक है बाजावली, वो अभी सुपुर्द खाक में से शामिल होकर आए हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं मेवात इलाके में कि जो लोगों को अपहरण करके ले जाते हैं और उस इलाके में उनसे फिरौती मांगी जाती है। तो साफ तौर पर हालांकि ये जो घटनाक्रम सुबह से चला वो तो पूरा हो गया, लेकिन विधायक जो है नगर के विधायक बाजावली, उन्होंने लगातार मांग भी ये कर रहे हैं कि अब इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे